हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं दी सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग इन द टाइम ऑफ द सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग, द सोशल एंड कल्चरल रेनेसां ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और भी इस प्रकार की कई सोसाइटीज, मूवमेंट्स उस समय में स्टार्ट हुई थी, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सभी वैसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी ज्यादातर मैं इससे पहले वाले सेशंस में करवा चुका हूँ। आज मैं कंक्लूडिंग लेक्चर कर रहा हूँ, जिसमें मैं टिटबिट्स कवर करूंगा और इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। हियर कम्स माई स्क्रीन, दिस इज माई स्क्रीन। ठीक है जी, आई होप नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। ओके, सो ये वो मूवमेंट्स के नाम है जो आज हम कवर करना चाहेंगे। ठीक है जी, ये यहां से शुरू करने जा रहा हूं मैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ओके, आई होप यू कैन सी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नाउ ये आपके सामने हेडिंग आ गई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एम जी रानाडे वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड, एम जी रानाडे स्टार्टेड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। लेकिन बोल कर दो। ठीक है जी, मोबाइल। ठीक है जी, ये मैं ड्रॉ करता हूँ यहां से। नेम वाज एम जी रानाडे, सोसाइटी का नाम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन वर्ड आ गया तो ऑफकोर्स ये किस में थी, साउथ में। ठीक है जी, और अभी तो आ जाओ। और दो नाम और जो थे वो थे कौन से, एम जी चिपदोनकर और जी अगरकर। लेकिन मेन नाम, जो सबसे बड़ा नाम है, वो है एम जी रानाडे। और अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहां बनी थी, पुणे में। कब बनी थी, 1884 में। ठीक है जी, क्या मेन एम था, अब मैं आपको बता दूं, पुणे में आज भी एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जिसका नाम है फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज में से लॉ की पढ़ाई भी होती है और भी कई ऐसे कोर्सेज होते हैं, और ये काफी फेमस कॉलेज है, काफी नामी कॉलेज है। तो इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने ही स्टार्ट किया था फर्ग्यूसन कॉलेज। और मेन एम क्या था, एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया, कि जो वेस्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर एजुकेशन और फैले, इस सोच के साथ स्टार्ट हुई थी कौन सी, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, नोट कर लिया आप लोगों ने। नाउ कमिंग ओवर टू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट सोसाइटी, सेवा सदन। सेवा सदन किसने स्टार्ट की, ये लिख दो, बहराम जी। ये स्टार्ट की थी बहराम जी एम मालाबारी। कहां स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे में। कब स्टार्ट हुई, 1885। और इनका मेन कैंपेन किसके खिलाफ था, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और एनफोर्स्ड विडोहुड, यानी कि विडो रीमैरिज होने के लिए कहते थे, होनी चाहिए। समझ में आया, अगर किसी विडो को शादी नहीं करने दी जाएगी तो उसको विडोहुड में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो विधवा विवाह को फेवर किया था सेवा सदन ने। और साथ ही जो सोशली एक्सप्लॉयटेड वुमेन है उनका ख्याल रखा जाए, ये भी कहा था सेवा सदन ने। सेवा सदन किसने स्टार्ट किया, बहराम जी एम मालाबारी। ये पारसी थे, ही वॉज अ पारसी। ओके, और बस ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड वेलफेयर, और ऑल्सो ये मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, medical services to those who are exploited. फिर
अगली सोसाइटी है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, वेरी फेमस आल्सो, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एम जी रानाडे और दूसरे के साथी थे रघुनाथ राव। कहां पर बनाई है? बॉम्बे में। किस ईयर में? 1887 में। अब इन्होंने पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे, अगर पूरा नाम मैं लिखूं तो महादेव गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे, ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए, ठीक है जी। He was an Indian scholar. He was also a judge. वो जज भी रह चुके थे। He was also a judge. ठीक है। He was a reformer. और ये Indian National Congress जो कि भारत देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने में जिन पार्टीज ने योगदान दिए, जो अगुवाई कर रही थी, वो इंटरनेशनल कांग्रेस थी। तो इंटरनेशनल कांग्रेस के ये फाउंडिंग मेंबर थे, जिन्होंने बनाई थी कांग्रेस, उनमें से एक। इनका निधन 1901 में हुआ था, एम जी रानाडे का। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट, जी हाँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे किसी समय में। चलिए आगे। He was a great public figure. तो इन्होंने बेसिकली किस चीज के ऊपर काम किया? To abolish polygamy. एक से ज्यादा विवाह नहीं होने चाहिए, ठीक है। This is what he worked for. And कुलिनिज्म, कि हम इस उच्च कुल के हैं, वो नीच कुल का है, ये कुल वाली बात नहीं होनी चाहिए। And promote intercast marriages. वो कहते हैं intercast marriages होनी चाहिए, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द INC, इंडियन कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल भी कहते थे। देन मद्रास हिंदू एसोसिएशन, अगेन इंपॉर्टेंट, मद्रास फाउंडेड बाय वीरे सालिंगम पंतालू। VIRESALINGAM पंतालू। कहां बनी थी? मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास में बनी थी ऑफ कोर्स इन 1892। और किसके लिए? देवदासी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक है। The sad plight of women and to combat the देवदासी सिस्टम, कि वुमेन अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये बनी थी। ओके, वीरे सालिंगम। चले आगे। डॉरी सिस्टम के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। अच्छा, देवदास सिस्टम में बताना चाहूंगा, एक मूवी आई थी वॉटर, जिसमें बड़े अच्छे से समझा रखा है कि देवदास सिस्टम क्या था, कि जो लेडीज, जो विडो हो जाती थी, जो विधवा हो जाती थी, खास करके वो जिनका की चाइल्ड मैरिज हुई होती थी, बाल विवाह, तो बाद में उनको फिर से मैरिज करना अलाउ नहीं होता था, तो उनको भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ही वो रहा करती थी। उनके सिर मुड़ दिए जाते थे, यानी सारे बाल काट दिए जाते थे, ठीक है, और शेवन हेड्स में रहती थी, और उनको कोई कलर्ड कपड़े पहनना अलाउड नहीं होता था, सिर्फ व्हाइट साड़ी ही वो पहना करते थे। और यहां से ही, देवदासी सिस्टम से ही प्रोस्टिट्यूशन भी चलता था, ठीक है, इलीगल तरीके से, कि जो गार्डियन होती थी वहां पर, ठीक है, जो वहां पर वार्डन का काम करती होती थी लेडी, वही कुछ पैसे लेके जमींदारों के पास उन लड़कियों को सप्लाई भी करती थी। देन भारत धर्म महामंडल, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया, और दूसरे थे पंडित दीनदयाल शर्मा, बनारस में स्टार्ट हुई, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ऑर्थोडॉक्स हिंदूस, जो हिंदू कट्टरवाद वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ये कुछ वैसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको याद रखा जाता है। ही वॉज और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ना केवल एक सोशल रिफॉर्मर थे, ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर, ही वॉज ऑल्सो एन एजुकेशनल रिफॉर्मर, जिन्होंने एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, एजुकेशन रिफॉर्मर, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिशियन एज वेल, ठीक है, जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट थी उसको ही पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम था, सो ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एज वेल, फ्रीडम फाइटर। चार बार, जी हाँ, चार बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इन्होंने बनाई, ये फाउंडेड अखिल भारतीय हिंदू महासभा, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इनका स्वाभिकृत क्या है, स्वाभिकृत क्या होता है, निकले कि जिस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, तो ही इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ही इज आल्सो कॉल्ड महामन, इज्जत देने के लिए जो नाम यूज किया जाता है वो है महामन। ये जो मैं लिख रहा हूं महामन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, महामन, ओके, नेक्स्ट, और आगे चलते हैं। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसने बनाई, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीति में अगर कोई गुरु था महात्मा गांधी का तो वो ये था। और कमाल की बात ये है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब से वो उनको अपना गुरु धारण कर चुके थे, एंड ही मेंटेन्ड हिज कॉन्टैक्ट्स विद गोपाल कृष्ण गोखले, यानी महात्मा गांधी हैड कॉन्टैक्ट्स विद गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए साउथ अफ्रीका से, और उसी साल डेथ हो गई किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जी हाँ, इसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये भी एक कारण था कि महात्मा गांधी एक अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऑटोमेटिकली बन गए। किस चीज के लिए आवाज उठाई थी गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोखले ने, इंडियन सेल्फ रूल। वो किसके लिए बेसिकली बात करते थे, इंडियन सेल्फ रूल, कि इंडियंस खुद राज करें इंडिया पर, ना कि फॉरनर्स आके यहाँ राज करें। इसके अलावा कई और सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किया। और दो तरह के लीडर्स होते थे कांग्रेस में, एक होते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एक्सट्रीमिस्ट यानी गर्म दल, हॉट, और दूसरे थे इसके ऑपोजिट, कौन से लीडर्स, जो कूल रहते थे, ठीक है, और हम उन्हें कहते हैं मॉडरेट्स, जो पीसफुल और लीगल तरीके से अपनी डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द बिगेस्ट लीडर ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स ऐसे मॉडरेट्स। और तीन बड़े नेता, एक्सट्रीमिस्ट नेता जो थे वो कौन थे, वो थे लाल बाल पाल, जी हाँ, लाला लाजपत राय, लाल बाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे किसके साथ, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ।
क्लियर। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और आगे चलते हैं हम, अगला फेमिन रिलीफ और ट्राइबल वेलफेयर के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने काफी काम किया। अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है पूना सेवा सदन। ये क्या है समझिए, पूना सेवा सदन 1909, ये वही साल था जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी पास हुआ था। क्लियर। तो किसने स्टार्ट किया, जी के देवधर और रमाबाई पांडे। कहां स्टार्ट की, पुणे, पुणे में। किसने स्टार्ट की, फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, की वुमेन इमेंसिपेशन, यानी वुमेन अपने फैसले खुद ले सके, वुमेन अपलिफ्टमेंट यानी कि वो कुछ काम करे, पैसा कमाए और उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। और दो नाम जुड़े हुए हैं, जी के देवधर और दूसरा रमाबाई पांडे। नेक्स्ट, निष्काम कर्म मठ 1910 में बना। किसने बनाया, धुंधो केशव कारवे। कहां पे बनाया, पुणे। धुंधो केशव कारवे पुणे में थे। सोशल रिफॉर्म के लिए बनाया, सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड के लिए बनाया और एजुकेशनल प्रोग्रेस इन वुमेन के लिए। ओके, अब जो अगला नाम आता है वो है भारत स्त्री मंडल। स्त्री मंडल ऑफकोर्स लेडीज के राइट्स के लिए लड़े। किसने स्टार्ट किया, सरल बाला देवी चौधरी कलकत्ता में। ये फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरे भारत की एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो पहली बनी वो थी भारत, द भारत स्त्री मंडल। और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जिसने बनाया उनका इतना ही काफी है, इसके बारे में ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहां बनी थी ये बॉडी, ठीक है, कलकत्ता में। ओके, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया किसके लिए, फीमेल एजुकेशन, कि अगर नारी पढ़ी नहीं होगी तो वो काम भी कैसे करेंगे। फीमेल एजुकेशन इन्होंने लाहौर में अपना एक ऑफिस ओपन किया था, लाहौर में, इलाहाबाद, दिल्ली, कराची, तो ऑल ओवर इंडिया, कानपुर, कोलकाता, हर जगह इन्होंने अपने ऑफिस बनाए थे। और मेन एम क्या था कि वुमेन की जो स्टेटस है उसे सेफगार्ड करने के लिए उनका रिफॉर्म होना जरूरी है। अगली एसोसिएशन जो हमारे सामने आ रही है वो कौन सी है, ये देखिए आप, ये देखिए, सेवा समिति। सेवा समिति इलाहाबाद में बनी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने बनाई। मैं बताना चाहूंगा, पंडित हृदय नाथ कुंजरू जो है ये वही है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी में भी थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो बहुत बाद में बनी थी, 1955 में आजादी के बाद। क्लियर। और फजल अली कमीशन में दो मेंबर्स थे और एक चेयरमैन थे फजल अली, तो ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, किस लिए बनी थी सेवा समिति, टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिफॉर्म क्रिमिनल्स एंड फॉरेन एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको सुधारा जाए, नफरत क्राइम से करो ना कि क्रिमिनल्स से, ये कहते थे। नेक्स्ट, इसका जो अगला पॉइंट है वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन। किसने बनाई, एनी बेसेंट। कहां बनाई, मेड्रास में। ये वही एनी बेसेंट है, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, एक आयरिश वुमेन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया। शी वॉज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट। और पहले इन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। वुमेन राइट्स के लिए लड़ी हमेशा, और शी वॉज अ वेरी गुड स्पीकर एंड एक्सीलेंट ओरेटर। एनी बेसेंट वॉज एन एक्सीलेंट
orator, educationist, and philanthropist. और ही एडवोकेटेड सेल्फ रूल, होम रूल भी जिसे कहते हैं. ओके, नेक्स्ट कमिंग ओवर टू रहनुमाई मजदियासत सभा फाउंडेड बाय एस एस बंगाली नारोजी खुर्दोजी एंड जी बी नाचा. ये सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, पारसियों की थी. ठीक है, किस लिए? कि रिस्टोर करना है ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी जैसे पहले होता था, एंड सोशल रीजनरेशन ऑफ द पारसी कम्युनिटी थ्रू मॉडर्न एजुकेशन. एजुकेशन के द्वारा ज़ोरोएस्ट्रियंस को फिर से अपलिफ्ट करना है. अगला खुदाई खिदमतगार मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में स्टार्ट हुई, जिसको आज हम पाकिस्तान एरिया बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो लीडर थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान. इसी इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान. क्लियर, और आगे चलते हैं. अगला समाज आ रहा है लोक हितवादी. किसने स्टार्ट किया? गोपाल हरी देशमुख. वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे इंडिया में, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर वुमेन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन की बात करते थे. ठीक है, एज अ वोटरी ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस ही अटेम्प्टेड दिल्ली, ही अटेंडेड दिल्ली दरबार इन 1876. हाथ से बना खादी का कपड़ा पहनकर ये दिल्ली दरबार को इन्होंने जो है ज्वाइन किया था 1876 में. क्या दिखाने के लिए? कि भारत किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंस दिखाने के लिए. ही वाज एन इंडियन एक्टिविस्ट, ही वाज अ थिंकर. इनकी सोच सोशल रिफॉर्मर थे, और बेसिकली कहां से थे? महाराष्ट्र से थे. कौन? गोपाल हरी देशमुख. इनका जो ओरिजिनल सरनेम था वैसे वो था शिधाई. ओरिजिनल सरनेम ऑफ गोपाल हरी देशमुख वॉज शिधाई. ओके, जो इनको जो सरकार की तरफ से जो वो मिलता था टैक्स का एक हिस्सा, उसकी वजह से इनको देशमुख कहते थे. सर देशमुख ही टैक्स होता था ना. अगला राधा स्वामी मूवमेंट, वेरी फेमस मूवमेंट. किसने स्टार्ट की? तुलसीराम ने. ठीक है, शिवदयाल साहिब और स्वामी महाराज 1861 में, आज भी चल रही है. कौन थे तुलसीराम? ठीक है, ही वॉज अ बैंकर ऑफ आगरा. ठीक है, और क्या उन्होंने कहा लोगों को? ही प्रीच्ड बिलीफ इन गुरुज सुप्रीम पोजिशन, one supreme being and on simple social life. अगला देव समाज. किसने स्टार्ट किया? शिव नारायण अग्निहोत्री. शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में हाई मॉरल एंड हाई सोशल कंडक्ट के बारे में कहा. देव शास्त्र क्या कहता है? देव शास्त्र देव समाज के आइडियल्स का बखान करता है. कहां पर जन्म हुआ था इनका? अकबरपुर यूपी. ही वॉज बोर्न एट अकबरपुर यूपी. 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में. ओके, और वही अकबरपुर में बेसिक एजुकेशन की हुई, फिर उसके बाद आगे बढ़े. नोट्स में मैंने आपको यहाँ कुछ और भी एसोसिएशन के बारे में बता रखा है. सत्यशोधक समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन एंड एक्स्ट्रा. ये आप खुद को देख रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं. आज के इस जीके के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करने जा रहे हैं. ओके, एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहेगा? आज आप असाइनमेंट्स में डाउनलोड भी कर सकेंगे इसको.
everything else.